अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राह गिरा उस जंगल से गुजरता था वो उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वो निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहां जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वो बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वो रोकता था वो भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है।
उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण लीजिए। बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। धन्यवाद।